जा रहा है, नई चीजें आ रही हैं, तो कुछ लोग गांव से शहर की ओर चले जाते हैं, और खासकर जब नौजवान लड़के और लड़कियां गांव से शहर में चले जाते हैं तो माँ बाप के जीवन में काफी अकेलापन रह जाता है, बुढ़ापे में उनके लिए समय काटना मुश्किल हो जाता है। तो ये गांव सिर्फ बूढ़ों का गांव होकर रह गया, जवान बच्चे तो सब शहरों को चले गए। करें भी क्या, यहाँ तो कितने हार लगाने पर मुश्किल से अनाज पैदा होता है, शहर में तो ढेरों काम है, कितनी नौकरियां हैं। हाँ ठीक कहती हो तुम, अब जवान पंछी तो पिंजड़े में बंद करके नहीं रखा जा सकता है, उनके तो पंख हैं, वे तो उड़ेंगे ही। राम राम दद्दा। राम राम भैया। शहर से चिट्ठी आई है, बेटे की होगी? ना ना, हमारी बहू पढ़ी लिखी है, चिट्ठी पत्री वही लिखती है, बेटे को काम से फुर्सत कहाँ। ले तू ही पढ़ के सुना, मेरा तो मोतियाबिंद इतना पक गया है कि पास की चीज कुछ नजर नहीं आती। हाँ गंगा की ही है। अरे इसमें तो पोता पोती की फोटो भी है। अरे दिखा दिखा तो। ठहरो तो सही, उतावले हुए जाते हो, पहले मैं तो देख लूं, कितना बड़ा हो गया है। मुझे भी तो दिखा, बुढ़िया हो गई पर तेरी मुंह जोरी की आदत गई नहीं अभी तक। तेरे की आंखें तो मेरी बिल्कुल जवाब दे गई हैं। गंगा को लिखना कि फोटो जरा बड़ा करा कर भेजे ताकि मेरी अंधी आंखों को भी तो कुछ दिखे। अब फोटो नहीं, खुद ही पोता पोती को देखोगे। क्या मतलब? बहू ने लिखा है कि अगले महीने बेटा हमें लिवाने आ रहा है, आपकी आंखों का ऑपरेशन है। तू यूं खबर पढ़ के मत सुना, सारी की सारी चिट्ठी पढ़ शुरू से लेकर आखिर तक। चल शुरू कर। अच्छा तो सुनो, श्री ओम, शहर इलाहाबाद, तारीख 3/7/85, परम परमेश्वर के चरणों में प्रणाम। प्रणाम के बाद आदरणीय बाबूजी और इजा की सेवा में प्रणाम स्वीकार हो। क्यों, अब तो चिट्ठी ठीक पढ़ रही हूँ ना? हाँ हाँ आगे चल। हम सब यहाँ राजी खुशी से हैं,
भगवान से प्रार्थना है कि आप सब भी राजी खुशी से हों। आगे समाचार ये है कि आपके बेटे ने बाबूजी के आंख के ऑपरेशन की बाबत डॉक्टर से बात कर ली है। अगले महीने छुट्टी लेके आपको लिवाने आएंगे। ए, सुन, क्या मैं सब कुछ दोबारा से देख सकूंगा? क्यों नहीं, अपने पंत जी को नहीं देखा? चश्मा लगा के बड़ी बड़ी आंखों से सारा अखबार बांच लेते। खैर, आगे सुनो। अपनी बिटिया ने लिखा है कि दादी से कह दो आएंगी तो मेरी गुड़िया का लहंगा सिलना पड़ेगा। कैसी कैसी बातें करने लगी है। अच्छा अच्छा, आगे चल। मेरे बारे में कुछ लिखा है? नहीं, क्यों नहीं लिखा है। लिखा है कि आपका पोता कहता है शहर आते हुए झबरी कुतिया का एक बच्चा उसके लिए ले आवे। अच्छा, तो अब तक याद है उसे झबरी की? क्यों नहीं, मैंने पिछली चिट्ठी में ही लिखा था कि झबरी ने बच्चा दिया है। 2 साल हो गए सबको देखे हुए, पर हर 15वें दिन चिट्ठी से तो खबर मिल जाती है। ऐसा लगता है कि क्षण भर को सबसे मिल लिए हो। हाँ, ठीक कहती है तू। बहू पीछे पड़ के तुझे वो बड़ों के स्कूल क्या कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, हाँ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में ले गई थी। उसी का फल है कि बच्चे दूर होते हुए भी दूर नहीं लगते। कहाँ चली? अरे और पढ़ो ना। पूरी चिट्ठी तो पढ़ ली, अब क्या पढ़ूं? अच्छा, हाँ तो दोबारा से पढ़ो। पहले चूल्हा जला लूं, दाल चढ़ा दूं, फिर दोबारा चिट्ठी भी पढ़ूंगी, फोटो भी देखूंगी। पर ये अकेलापन भी दूर हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने की जानकारी हो तो शहर में रहने वाले बच्चों की चिट्ठी से ही क्षण भर मात्र को ये लगता है कि वो आप ही के सामने खड़े हैं, आप ही से बातें कर रहे हैं और आप उनसे नज़दीकी से महसूस करने लगते हैं। आजकल गांव में जो कुछ कुछ बदलाव आ रहा है उससे गाँव वालों को कुछ सहूलियतें, कुछ सुविधाएँ, कुछ फ़ायदे भी मिले हैं। जैसे आप लोगों के गांव में ये जो निर्धुम चूल्हा है जिससे कि धुआं कम होता है, ऐसे चूल्हे आप लोगों के घरों में कुछ कुछ के लगे हैं? लगे हैं चूल्हे, 5 बना ले। हम ऐसे करें, सांझ को 1 किलो दूध लाते हैं तो अब हम सब्जी रोटी चूल्हे बना लेते हैं, दूध उस पर धर दे, खूब घोंट जाए। तो जब रोटी बनाते हो साथ साथ चूल्हे पे दूध भी गर्म हो जाता है? दूध भी गर्म हो जाता है। एक इसमें यू फायदा, अब धुआं नहीं लगा खेन में, धुआं ऊपर को चले जाता, आँख में बिल्कुल नहीं लगता, नहीं लगे कति नहीं लगे इसमें। जब तो झुकड़ा का ऐसा सारे खा जाए धुआं, और अब उसमें का लिकट जाता धुआं ऊपर को, ऊपर को नहीं लगा। अच्छा, यहाँ लकड़ी कहाँ से लाते हो? जंगल से। ये इस चूल्हे से और दूसरे चूल्हे में लकड़ी कम लगती? हाँ, उस तो कम लगे, इसमें कम लगती, कम लगे। इसमें 2 काम हो जाए, एक में उसमें 2 जगह 2 काम हो, यू न्यू ईंधन कम जड़े। और भी इसका कुछ फायदा है इस चूल्हे का? एक ये फायदा, अगर ज्यादा बर्तन काले ना हो। अच्छा, इन निर्धुम चूल्हों को बनाना और सफाई करना औरतें आसानी से सीख सकती हैं, और इन चूल्हों को बनाने का सभी सामान गांव में ही मिल जाता है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के रहने वाले अधिकांश हरिजन और भूमिहीन हैं। ये जमींदारों के खेतों पर खेती का काम करते हैं और यही एकमात्र इनके रोजगार का साधन है, किंतु यहाँ काम उन्हें साल में 2 या 3 महीने से अधिक नहीं मिल पाता। इसी कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। इनके इन आर्थिक हालात को देखते हुए दिशा नाम की एक सामाजिक संस्था ने सरकार की मदद से यहाँ की महिलाओं के विकास के लिए एक आर्थिक कार्यक्रम लिया। इस ट्राइसम योजना के अंतर्गत इस गांव की रहने वाली 15 हरिजन और पिछड़ी मुस्लिम औरतों को
चार महीने की सिलाई और कटाई की ट्रेनिंग दी। सबसे पहले रोजगार वाली जो समस्या थी वो सामने आई, जैसे कि भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर हैं, वो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, तो खास तौर से महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो वेजेज हैं यानी मजदूरी वो अलग अलग है। तो महिलाओं में इस बात का बड़ा रोष था कि हमारी भी मजदूरी पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। तो ये सब बातों को देखते हुए उन लोगों ने ये सबसे पहले जरूरत महसूस की कि हमको पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। टाइसन की ट्रेनिंग हमने फरवरी से शुरू की थी, फरवरी 83 में शुरू की थी। और कितने महीने की ट्रेनिंग? ये 4 महीने की थी, लेकिन इसमें किस चीज की ट्रेनिंग दी गई? सिलाई के लिए। ये जो औरतें यहाँ सीखने लगी, ये एकदम इस गांव में नया काम हुआ था। तो नए काम की गांव वालों ने क्या कही इसके बारे में? मारा तो बाजा सा लाठिया लियो फिर इनके पीछे, हमारा घर बकवाओगी क्या, हमारे अमल लाम करवाओगी? अजी बहुत सुना था लोका खा मशीन का, तो मशीन चलाओगे? गांव वाले तो मजाक सोचते थे। मजाक सोचते थे? हाँ। क्या कहते थे? ये सोचते ना भाई बेकार ये कुछ करेंगे ना करेंगे। मालती जब ये सिलाई का काम सीखने गई जी, तो आपको कैसा लगा? हमें तो खराब लगा जी उस टाइम। खराब लगा जी? क्यों खराब लगा? हमें खराब ये लगा जी, हमारे घर में हमें काम की तंगी थी, जब ये जाते हम रोटी भी टाइम पर नहीं मिली थी, और साहब बच्चे भी तंग, हर दोबारा अभी बात थी, हमें ये अंदाज था कि कुछ सीख नहीं सकती। तो आपने शुरू में इसको खूब डांट डपट किया? हाँ जी। मारा वारा भी? मारा भी है जी हाँ। तो वो क्या बोले? वो बोले जी हम सीखेंगे लाजमी, जरूर सीखेंगे। जब आपकी घर वाली ये सिलाई वगैरह का काम सीखने गई तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जी। अच्छा लगा? हाँ। क्यों अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा मतलब हमारी तरक्की हुई, हमें अच्छा काम मिला। नुआ बच्चे भी दिक्कतदारी में है, हम भी दिक्कतदारी में, नुआ मर्द जवाब देगा बैठ गया, आज हमारे पे कमाई जाता हमारे पे नहीं जाता, देखिए करना तो हमें ही, मर्द के भरोसे का लग रहेगा आदमी, तो हम तो अपने उस तो हाथ तो पाँव तो खड़ा होना। पर क्या इनकी ट्राइसन की ट्रेनिंग खत्म होने के साथ इनको बैंक से कर्जा मिल गया? नहीं, बहुत ज्यादा संघर्षों से गुजरना पड़ा हम लोगों को, और जब इन लोगों ने ट्रेनिंग खत्म कर दी उसके बाद इनके दिमाग में आया कि कब हमें मशीन मिले, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी थी, लगभग 7-8 महीने इसमें लगे। बैंक में जब आप गए तो आपको क्या परेशानी हुई? अजी परेशानी यहाँ हुई, बैंक वालों ने वो कागज को गंजिया बना कर वो जो सा बना कर था ना चेक, वहाँ तो चेक नहीं दिया। जिस दिन आप मशीनें लेके आए, हाँ जी, उस दिन आपको क्या परेशानी हुई? हाँ जी हमें परेशानी सारी हुई। क्या परेशानी हुई? हम तो रात के 12 बजे आए थे। बहन जी सुबह से गए बैंक में पहुँचे, वहाँ जी बैंक मैनेजर लड़ पड़ा का आज नहीं काम होता, कल लाइयो मका जी जाऊंगा हम तेरी गेल सारी लद कर। अगले दिन क्यों गए थे? अगले दिन चलो अगले दिन गए जी, फिर पहले मशीना देखी जी, फिर कपड़ा लिया मंत है, फिर आया का मशीना ठाई जी, हमें या जा नोना जी दिन छिपे गया, हमें शहर में भी होली थी, तड़के ही खाया का चले थे, अगले दिन तड़के ही खाए, यहाँ भी रात के 12 बजे आकर नूद भग गए थे, भूखे ही पड़ गए जी, किसी ने रोटी खाई, किसी ने भी रोटी नहीं दी, आन का टिके नहीं अपना पेल लड़ा के गाड़ी कहाँ तो देंगे कर्जा, क्यों आन के धरिया मशीना। उस दिन जब बैंक में मैनेजर ने कहा कि आज काम नहीं होगा, तो औरतों ने ये कहा कि साहब हम 8-10 औरतें हैं, हमारे साथ बच्चे भी हैं, और हम आज घर नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैंक में रहेंगे, आप खाना खिलाइए हमें और हम तो यहीं सोएंगे, हम घर नहीं जाएंगे तब तक। तो इससे बैंक काफी घबरा गया बैंक वाला, और उसने फौरन अपने आप परफॉर्म में अपने क्लर्क को दिए, हाथ से बनाए वो सब कुछ, चेक वेक काटा। बैंक मैनेजर से क्या लिया? कर्जा लिया जी। अच्छा, कितना कर्जा लिया? 1000 जी। 1000? हाँ जी। अच्छा, उस कर्जे से क्या किया? उस कर्जे से जी एक तो मशीन ली जी। अच्छा जी, और कपड़ा लिया, वो कपड़ा कुछ वैसे बेचा जी बगैर सिला, और जी कुछ सिल सिल के अपने बच्चों तो पराया आप पैरा।
काम नहीं निमटा आज लग भी घर काम नहीं निमटा हाँ। अच्छा ये जो आप सिलाई सीखने जाते हो वहाँ और भी औरतें आती हैं हाँ जी तो एक जब सब साथ मिल के बैठते हो तो कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है जी लगता है हमारा जी लगता है हाँ आपने जब सिलाई के लिए सीखने की कोशिश बात करी तो आपके आदमी का क्या कहना था इनका तो कुछ भी कहना नहीं था उन्हें क्या भारी भारी तो हमें थी जब हम अपने घर में तंग थे हमने अपने दिक्कत के लिए ली थी मशीन मैं कहा कुछ हमें नफा हो जाएगा ले एक मशीन फिर हमने सोचा अपने घर में ही काम कर ले करेंगे अपने बच्चों को नुहा ले करेंगे धुआ ले करेंगे अपना घर का काम कर ले करेंगे हमें कुछ रोजगार भी कहीं तो मिल ही जाएगा जी आस पड़ोस के कुछ लोगों के कपड़े तो आप सिलते हो गए हाँ जी पड़ोस अड़ोस के भी सिवा है कोई नुआ बस एक बात यार अब कोई सुवा में कोई नहीं भी दर्जी यहाँ ढेर है मशीन चलाते हैं तो पैसा तो आता भी नहीं कहीं तो आप यहाँ रोजगार भी नहीं है रोजगारी की यहाँ बहुत परेशानी है रोजगार की परेशानी के कारण ही आपने मशीन खरीदी अब सिलाई ढूंढने का सवाल है जो यहाँ की जो पीठ है जिनमें वीकली मार्केट हम जिनको कह सकते हैं उनमें कुछ बने बनाए तैयार कपड़े आते हैं जिसको सहारनपुर के बड़े व्यापारी लेके आते हैं और यहाँ के गांव में खासतौर से जो औरतों की सलवार कमीज होती है वो यहाँ पीठ में बिकने को आती है तो हमने जो पीठ में यहाँ पर व्यापारी आते हैं कपड़ा बेचने के लिए उनमें से कुछ को कॉन्टेक्ट किया पीठ में जब आप कपड़ा सिल के भेजते थे तो आपको कितनी आमदनी होती थी 60 पैसे जी हाँ। एक सिलवार के 60 पैसे हाँ। उसी ने जी चाहे थागे में समझ ले चाहे तेल में समझ ले मेहनत तो पल्ले पड़ी नहीं आपने ज्यादा पैसे की मांग नहीं करी नहीं मांग ही नहीं करी करी जी फिर करी जी हाँ। फिर करी मुका 60 पैसे हमारा काम नहीं चलता सिलाई में आप कितना मांग रहे थे जी हम तो उस सूट के 4 रुपए का दिया था तो जी वो आगे मनना नहीं है जी हमें उसका काम छोड़ दिया आपको लगता है कि उनका हाथ पूरी तरह साफ हो गया या उनको आगे और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी कटिंग में उनका हाथ साफ नहीं था तो उन्हीं की तरफ से एक सवाल आया कि बहन जी कुछ ऐसा कुछ काम करो जिससे हम थोड़ा कटिंग भी आए तो उसी गांव का एक दर्जी क्योंकि इतनी दूर से वहां को जाकर आएगा वो प्रैक्टिकल नहीं था उसी गाँव का दर्जी जो उस गाँव में रहता था उसने कहा कि ठीक है मैं इनके साथ कटिंग करूंगा मास्टर जी आपसे थोड़ी बात कर सकते हैं जरूर ये जो बहनें यहाँ सिलाई सीख रही हैं इनको आप कब से सिखाने लगे मुझे ने करीबन 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग दी जी अच्छा अब ये अच्छी तरह काटना और सिलना सीख गई हैं भाजी सूट कमीज पजामे और नए कर दिया गांव का सादा काम बड़े आसानदारी से सीख सकती हैं अपने आप से काट भी सकती हैं अपने आप काट भी सका छांट भी सका अच्छा ये बताओ कि ये जो आपने कर्जा लिया ये कर्जा क्या वापस चुकाना शुरू कर दिया है जी मार पर कर्जा नहीं चुका हुआ है अभी तीन किस्त हाँ 3 किस्त गई है थोड़ी थोड़ी गई है जी जी हमें तो इसकी मशीन की किस्त 60 रुपए दी 60 रुपए दी और कितनी किस्त और चुकानी है अभी तो बहुत है जी सारी दे देंगे अब तो हम भी सारा लगाओगे जब हमें अंदाज पड़ गया कि कुछ सीख सके हम भी देंगे अगर इनको काम पूरा मिलने लगे तो क्या ये घर में बैठ के इतनी सिलाई करके इसका कर्जा चुका सकेंगे कर्जा भी चुका सका अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सका खाने को भी कर सका क्या नहीं कर सकता जब आदमी काम मिलेगा जब तो कर सका फिरोजाबाद की औरतों के मन में उमंग है और अधिक सीखने की उनकी सफलता की पहली मंजिल यही है कि घर वाले आज उनके इस काम में उनका साथ दे रहे हैं पर वह अच्छी तरह जानती हैं कि साथ मिलकर ही वो ये लंबा रास्ता तय कर पाएंगे यह तो मंजिल की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है पड़ी